राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगा 30 लाख रोजगार देंगे सबसे पहले। बिल्कुल देंगे, उन्होंने कहा तो देंगे, तो वो जो है दूसरों की तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं। उनका टीचर रात भर बसता है, हमको कोई तकलीफ नहीं होता है, और 5 मिनट के अजान में उनको इतनी तकलीफ होती है कि योगी साहब लुंगी उठा उठा के बोलते हैं, लुंगी उठा उठा के उतरा दूंगा। जब सुरक्षा ही नहीं तो क्यों उठते भाई, भाजपा को नहीं देंगे। नमस्कार आदाब, इस वक्त मैं अमेठी में हूँ। अमेठी का माहौल इस वक्त गर्म हो गया है। दरअसल राहुल गांधी का कयास लगाया जा रहा था कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आनन फानन उन्हें जो है रायबरेली भेज दिया गया कांग्रेस की तरफ से, और यहां से उम्मीदवार जो बनाया गया है वो किशोरीलाल शर्मा को बनाया गया है। आम जनता इस बार क्या सोच रही है, लोगों के दिल में क्या है, क्या महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बनेगा या नहीं, या जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र खतरे में है, या जो मोदी जी ये कह रहे हैं घुसपैठिया को सारा काम दे दिया जाएगा, जमीन दे दिया जाएगा, ये मुद्दा काम आएगा, कौन सा मुद्दा काम आएगा आम जनता से जानेंगे। देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आम जनता इकट्ठा हो गई है और लोगों से बात करेंगे। कुछ युवा है, पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। आज का युवा क्या सोच रहा है, क्या विचार लेकर और जनता के बारे में, मतलब नेता के बारे में क्या सोच रहा है? जी केएल शर्मा जो आ रहे हैं हम उनका पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो स्मृति ईरानी यहाँ थी, विकास के नाम पे जो काम किया है आप देख ही रहे होंगे। आप उदयपुरी रोड से और यहाँ तक जगदीशपुर तक आइए, आपने जो जितनी भी रोड देखी होगी कम से कम जो है 5-6 किलोमीटर की ये रोड है, पूरी त्रस्त है, बिल्कुल खराब हो चुकी है। इसको जो है कोई बनवाने वाला नहीं है। उसके साथ साथ जो है नौकरियाँ, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला अभी तक। अच्छा, राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगा 30 लाख रोजगार देंगे सबसे पहले। बिल्कुल देंगे, उन्होंने कहा तो देंगे, तो वो जो है दूसरों की तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं। कहाँ से देंगे, अमेठी को छोड़ के रायबरेली चले गए लोग बता रहे हैं। तो केएल शर्मा को तो भेज रहे हैं ना, उन्हीं के तो है, उन्हीं की पार्टी के हैं, वो भी पार्टी उनकी तो है उनकी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुछ है नहीं, यहाँ है नहीं तो कैसे 19 में जीतेंगे भाई? दाल गलेगी यहाँ 19 में, दाल गला ना, यही अमेठी में गला। वो बेईमानी से गला है, इसे नहीं गला, बेईमानी से, बिल्कुल बेईमानी से गला। बात कर रहे हैं चाचा, बेईमानी से गला। वो तो कह रहे कि हम मेहनत किए हैं, बूथ बूथ तक पहुंचे हैं, सत्ता के हिसाब से जीता है, इसे नहीं। यहाँ से कांग्रेस जीतती, हमेशा कांग्रेस का गढ़ है ये गढ़ है जी, अभी भी किशोरीलाल शर्मा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और आप बता रहे हैं क्या हुआ, लड़ रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो कांग्रेस ही ना। राहुल गांधी सोनिया गांधी के करीबी हैं तो कांग्रेसी है ना। अच्छा, एजुकेशन की बात किया जाए, आप यूथ हैं, साफ साफ बताइएगा कौन किसने काम किया, किस सरकार ने? कांग्रेस ने, कांग्रेस, कांग्रेस ने। और अभी भी वादा कर रहे हैं कि पहले क्लास से लेकर 12वीं तक हम फ्री, अगर उन्होंने कहा है तो देंगे। स्मृति ईरानी या जो है मोदी जी की तरह जो है जुमलेबाजी नहीं करते हैं। अगर राहुल गांधी ने कहा है कि वो युवाओं को रोजगार देंगे या जो है सरकार शिक्षा जो है मुफ्त करेंगे तो वो करेंगे, कर देंगे, कर देंगे, ये उम्मीद है, उम्मीद है। किशोरीलाल शर्मा पे जो ये पत्ता तुरुपका इक्का, किशोरीलाल शर्मा पे हम लोगों को उम्मीद इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को हम लोग हमेशा समर्थन करते आए हैं। ये जो है अमेठी कांग्रेस का गढ़ है और हमेशा रहेगा। जिस तरह राहुल गांधी कह रहे हैं आरक्षण खतरे में है, क्या लगता है अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तो दलित समाज का, निचली जात का क्या लगता है, कुछ फायदा होगा? भाई साहब वो तो आरक्षण क्या, वो तो सब चीज खत्म करने के लिए तैयार है साहब, सब चीज खत्म करने के लिए तैयार। और मेरे आज ये बताइए, 5 मिनट का अजान होता हमारी मस्जिदों से माइक उतारा दिया जा रहा है, ये क्या चीज है? अगर तुम्हारा कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, हमको तो कोई इतराज नहीं, रात भर होता है डीजे उनके, हमारे यहाँ डीजे भी बंद हो चुका है मुस्लिम समाज में, उनका डीजे रात भर बसता है, हमको कोई तकलीफ नहीं होता है, और 5 मिनट के अजान में उनको इतनी तकलीफ होती है कि योगी साहब लुंगी उठा उठा के बोलते हैं, लुंगी उठा उठा के, लुंगी उठा उठा के, लुंगी उठा उठा के उतरा दूंगा, मैं कुतरा दूंगा। बाद में बोलते हैं सबका विकास सबका साथ, किसका विकास कर रहे हो? लुंगी उठा उठा के जी, लुंगी उठा उठा के बोलते हैं। और यही गड्ढा उन्होंने बोला था मुक्त होगा, अरे मुक्त तो हो गया ना, क्या बचा है? राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तो यहाँ पे चिंदी लगाया गया था, चिंदी लगाया गया था, चिंदी लगाया था यार, जुबे निक मिल गए भाई। 10 दिन के बाद वही गड्ढा से गड्ढा ज्यादा बन गया है, घंटा से और घंटा। अरे विधायक जी आते हैं इसी रोड से 10 बार जाते हैं और आप चले जाइए मेन चौराहे पर। हाँ भैया याद आ गया, आपके विधायक जी आरोप लगा रहे थे 3 ट्राली वहाँ पे कत्तल गिराया गया है रोड में, तब जाके पटा 200 आदमी जख्मी हुए, तब जाके रोड पटा। अच्छा, आप अपना दर्द बता लिए जी? बता लिए, चलिए ठीक है, कांग्रेस को पहचान, पंजे को जानते हैं ले।
ले लो 2 रुपए में 70 वोट है, 70 वोट ले लो 2 रुपया में, मतलब पंजा ही पहचाना बस हम उसी को जानते हैं, उसी ने विकास किया, आज जो बीएचएल है उसी के नाम से जाना जाता है। आज हम कहीं भी चले जाते हैं बीएचएल का नाम पहले आता है, जगदीशपुर का बाद में। अब स्मृति ईरानी के नाम से पहचाना जाता है अमेठी, कौन से चक्कर में पड़े भैया? स्मृति ईरानी है कौन यार? आप बताइए किस नाम से पहचाना जाता है, किसके नाम से पहचाना जाता है अमेठी? राहुल गांधी के, राहुल गांधी ये कांग्रेस का गढ़ है, राहुल गांधी के नाम से, राहुल गांधी के कांग्रेस, राहुल गांधी के नाम से पहचाना जाता है भैया। ये राजीव जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, अभी राहुल जी, उन्हीं के नाम से बेटी पहचानी गई थी। सड़क चमचमा रही है जब से स्मृति ईरानी आई, हमें लग रहा है। हाँ नहीं नहीं नहीं, तो नहीं है, जो अमेठी की पहचान है वो राहुल गांधी की वजह से, ये तो बात सही है। हाँ। जो भी यहाँ पे तो राहुल गांधी क्यों नहीं लड़े भाई अमेठी से? देखिए सवाल है, ये है कि परिवारवाद वाला मसला जो बीजेपी आरोप लगाती थी कि परिवारवाद परिवारवाद, अपने जो है एक हिसाब से अपने कार्यकर्ता को उन्होंने अपनी सीट दी है, शर्त लगा ले। लोग खड़े हैं, छोटी सी बात कर रहे हैं। हाँ, चलो ठीक है, चलो जो आप कह रहे हो मान लिया। नहीं, नहीं, जनता यही वोट देंगे ना। ठीक है, आप हम एक बार राहुल गांधी के नाम में लोग हाथ खड़ा कर ले, एक बार स्मृति ईरानी के नाम में। अरे आप ले लो, चलो ले लो। हाँ चलो ठीक है, कैमरा ऊपर। राहुल गांधी वाले कौन कौन है भैया? राहुल गांधी वाले राहुल गांधी माहौल अगर आपने बनाया है तब तो आपको नाम स्मृति ईरानी का भी लेना पड़ेगा। बेशक नहीं, क्या है भाई सांसद मैं, कहा है हम ही है ना, है ना, है ना, नाम लीजिए स्मृति ईरानी, कोई नहीं, बाय 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 बाय, हो गया 5 साल, 5 साल हो गया। लेकिन सिलेंडर की अगर बात किया जाए क्या लगता है, महंगा हो गया है? बहुत महंगा हो गया है, 1500 रुपए सिलेंडर हो गया है। वो तो सिलेंडर अपने कंधे पे लेके टहल रही थी अमेठी में। हाँ। चीनी बता रही थी 3 रुपए किलो, चीनी आज 13 रुपए, 13 रुपए किलो आज हो गए, चीनी 45 रुपए किलो। हाँ। तो इस बार मतलब चुनावी टफ दिखाई दे रहा है, इस बार का चुनाव जो है टफ दिखाई दे रहा है। इस बार का चुनाव 100 वर्सेस 70, मतलब 100 में से 70/30, समझ रहे बात, 70 में से 100 में से। गणित वाली बात आ गई ना, गणित में कमजोर थे आप, कमजोर थे। यूपी में 80 जीत रही इंडिया गठबंधन हो गया। हाँ ठीक है। हाँ तो आप क्या कह रहे थे, क्या परसेंट परसेंट बता रहे थे? 100% में आई थिंक 70% राहुल गांधी, राहुल गांधी नहीं है, किशोरी लाल शर्मा। जैसे अंधभक्त, एक मिनट, अच्छा रुक जाओ, बता रहे कुछ लॉजिकल बात। भक्ति मोदी मोदी चिल्लाया जाता है, ठीक है, उसी तरीके से ये गढ़ अमेठी, राहुल गांधी, राजू गांधी, यहाँ भी राहुल गांधी भक्त हैं। भक्त नहीं है, हाँ। ये पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, पढ़े लिखे लोग, बेशक एजुकेट, ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं है, अनभक्ति वाली बात नहीं कर रहे। अच्छा। और बेशक 100% सही बात बता रहे हैं आपको। हाँ। एक छोटा सा मुद्दा हम बता रहे हैं, बताइए, आपके आपके पास माइक लगा रहेगा, फुर्सत है हमें, बताओ। मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ जनता हमारी परिवार फैमिली है, तो मणिपुर में उस महिला के साथ क्या हुआ? गजब है यार, क्या कहे यार। हाँ यार, कहाँ जा रहे हो यार, मणिपुर कहाँ लेकर चले? बेशक कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो देश का हिस्सा नहीं है, अमेठी में है, आप मणिपुर लेके जा रहे हैं। यही सब तो मुद्दा है, स्मृति ईरानी क्यों जिताया गया, कि विकास करेंगे, थोड़ा सा महिला सुरक्षा, कहाँ महिला सुरक्षा दिखाई है? यही अमित शाह आए थे लखनऊ में बोल के गए, रात के 12 बजे महिला गहना पहन, आपको हाथ रस कहीं याद नहीं मिला है आपको? हम कितने नाम गिना दें आपको महिला सुरक्षा पे, जब सुरक्षा ही नहीं तो क्यों वोट दे भाई भाजपा को? हम नहीं देंगे वोट, खुले लफ्ज में वोट नहीं देंगे। महिला है कुछ तो सम्मान भाई, सम्मान क्या, तभी तो सांसद बनाया महिला भाई, सांसद बनाया कि नहीं बनाया? अमेठी जनता ने सांसद उनको बना दिया, 50,000 वोटों से जिताया था उनको, हमें 50,000 से हराया, 2 लाख से हराएंगे, देख लीजिएगा आप, 50,000 से जिताया है, 1,51,000 वोटों से केआर शर्मा जीतेंगे। एक बात नहीं समझ में आ रहा है, ये अमेठी वालों को हो क्या गया, हर जगह पे 51 लगा देते, ये क्या दक्षिणा वाला है क्या? हाँ पंडित जी है ना, पंडित जी दक्षिणा दे रहे हम लोग, पंडित जी को हम लोग दक्षिणा दे रहे हैं, देख रहे हैं पंडित जी है, दक्षिणा देना लाजमी है यार भाई साहब, पंडित जी को दक्षिणा लाजमी है, लाजमी है, तो पंडित जी जो है दक्षिणा ले लेंगे, और कितना लेंगे? 1,51,000 कम, 1,51,000 पूरा पूरा पूरा। अच्छा ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, 4,000 किलोमीटर राहुल गांधी चले, स्मृति ईरानी को ढोंग लग रहा है? उनको ऐसे ही ढोंग लगेगा ना, जो काम करता है उसको ऐसे ढोंग, जो नहीं करेगा वो उसको वही लगेगा ढोंग। भाई रोजगार पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे रोजगार पे? हाँ। रोजगार है ही नहीं, रोजगार है नहीं, है ही नहीं, केवल बीजेपी के पास सिर्फ जुमला है, केवल जुमला बीजेपी जुमला देती है बस, और कुछ नहीं, केवल जुमला। और आप ले भी लेते हैं? कहाँ लेते हैं, हम लोग तो केवल कांग्रेस को वोट देते हैं।
बस बस यही पर डन है। इस बार इंडिया गठबंधन जीत रही है तो पोटली तैयार करो, किनारे रख दे, किनारे रखिए, इंडिया जीत रही है और भाजपा एकदम साफ हो रही है। मोहब्बत की दुकान खुलेगी कि नहीं खुलेगी? खुली है, पूरी फैल जाएगी। चलिए मोटा मोटा ले लेते हैं, अमेठी में मोहब्बत की दुकान भैया चलेगी? बिल्कुल चलेगी। अमेठी में मोहब्बत की दुकान भैया चल चुकी है? अमेठी मोहब्बत की दुकान चल चुकी है। आप भी बता दीजिए भैया, ये मोहब्बत की दुकान थी और है और रहेगी, हमेशा खुला रहेगा हमेशा। आप कैसे देख रहे हैं भैया? हमेशा भाई मोहब्बत की दुकान हमेशा चलेगी, हमेशा। भाई आप बता दीजिए, हमेशा चलेगी? आप बता दीजिए, मोहब्बत की दुकान खुली? भाई आप बता दीजिए, हमेशा हमेशा मोहब्बत की दुकान। हम कह रहे मोहब्बत दुकान खुली है और बहुत बम्पर खुली है और विपक्ष सामने वाली पार्टी में बहुत दर्द हो रहा है और दर्द होता रहेगा। भाई मोहब्बत से किसी को नफरत नहीं होता है, नहीं, नहीं, मोहब्बत ही नहीं, ऐसा चीज है जो अगर समाज आए ना तो मुझे लगता है कि आदमी मोहब्बत में तो सब कुछ कुर्बान कर देता है। बेशक बेशक कुर्बान कर देता है, मगर मोदी जी ने मोहब्बत मोहब्बत में हिंदू मुस्लिम भाईचारों को खत्म करने की कोशिश की है। इसके वजह से राहुल गांधी 4,000 किलोमीटर यात्रा उन्होंने किया और लोगों को समझाया, किसी से वोट भी नहीं मांगा। अपील एक भी वीडियो आपने दिखा सकते हैं, अपील का वोट देने के लिए। इस बार अमेठी में कौन जी खाली? बस अमेठी में केवल पंडित जी। अमेठी में खाली पंडित जी? अमेठी में खाली भैया पंडित जी? पंडित अमेठी में खाली पंडित जी? तो देखिए भैया यहाँ पर लोग नाराज है और स्मृति ईरानी जो आप कह रही थी कि बूथ बूथ तक हमारा कार्यकर्ता मौजूद है, मुझे लगता है कि एक बार ये आईना देखना भी चाहिए। फिर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते रहें हमारा सो यानी जनता कहीं 24 तक न्यूज के साथ।